हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहित और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को प्रॉपर तरीके से फिट कैसे करें। जैसे पूरे वॉशिंग मशीन का एक एक पार्ट से पूरा अलग है, उसको प्रॉपर तरीके से फिट कैसे करें, तो गाइस उस टॉपिक पर बात करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है गाइस, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है गाइस। पहला पार्ट ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा गाइस। तो ज्यादा देर ना करते हुए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। अभी ये गियर बॉक्स को मैं हैंडल डाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से डालने का। तो ये गियर बॉक्स हमारा अंदर जा चुका है गाइस। अभी ये वाला इसका रबर भी लगा देते हैं गाइस, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये थोड़ा इसको क्या है, थोड़ा ऐसे हो तो ग्रीस वाला करके लगा दो, ओपिल या ग्रीस लगा दो वो भी चलेगा। ये इसको अभी हम लगाएंगे। तो ये रबर को इस साइड रखना है गाइस, इसे ऊपर ऐसे ही रखना है गाइस। इसको हम अंदर डाल देंगे तो ये हमारा ऊपर भी अंदर जा चुका है, यहाँ से टाइट कर देंगे। थोड़ा टाइट ही रखना बस। उसको मैंने टाइट कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको कपड़ा लेकर और टाइट कर देता हूँ। ओके गाइस, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे रख देने का है। इसको गियर बॉक्स को घुमाना है गाइस, ये अभी प्रॉपर बैठा नहीं है क्योंकि इसको ऊपर करके बिठाना पड़ेगा। ये थोड़ा कैमरा हिलेगा, ड्रम वाला हिस्सा है वो भी ऊपर करना पड़ेगा गाइस। ये हमारा आधा सेटअप रेडी हो चुका है गाइस। ये क्या होता है, यहाँ पे ड्रेन मोटर लगता है, ड्रेन मोटर से यहाँ से खींचता है। तो गाइस ये ड्रम को गाइस अभी उल्टा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं क्योंकि ये गियर बॉक्स आगे बिठा दिया हमने, इसको अंदर से बिठाना है। इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अंदर पर। देखो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला जो हिस्सा है उसको गाइस अभी बिठाने का है प्रॉपर तरीके से। ये वाला हिस्सा है उसको बिठाने का है। ओके गाइस, इसको क्या करना है गाइस, ऊपर से मारना है। ये देखो ISO कम कर देता हूँ। इसको गाइस ऊपर से मारना है, मतलब मारना है थोड़ा, उसको पीटना ही है थोड़ा हल्के से, हथौड़ी को थोड़ा से पीटना है, मतलब वो बिठ जाएगा प्रॉपर तरीके से गाइस। ओके गाइस, ऊपर से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा धीरे से हथौड़े से फूंकना है धीरे धीरे, तो बिट जाएगा। तो गाइस अभी हमारा गियर बॉक्स फिट हो चुका है। देखो यहाँ पे मैंने वो ड्रेन मोटर का लब भी लगा दिया है, यहाँ से यहाँ पे ड्रेन मोटर आएगा। ये अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे।
यहाँ पे चार स्क्रू आएगी, वो पहले गाइस लगा दो आप। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे चार स्क्रू आएंगे, वो लगा देते हैं। गाइस चार स्क्रू लगा देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। गाइस पहले चार स्क्रू लगा दे, गाइस ध्यान से लगाए, आपका गेयर बॉक्स थोड़ा लूज होगा, वो आप चार स्क्रू जैसे ही लगा दोगे वो टाइट हो जाएगा। गाइस देखो गाइस चार स्क्रू है ये इसके, एक मिनट जूम कर लेता हूँ। गाइस ये चार स्क्रू है, एक यहाँ पे आएगा, वो मैं डाल देता हूँ, एक यहाँ पे आएगा, ये गेयर बॉक्स के स्क्रू है, एक यहाँ पे आएगा गाइस, दूसरा यहाँ पे आएगा, गाइस इसको 10 नंबर का पाना बोलते हैं, इससे गाइड करोगे इसको टी नंबर, टी का टी पाना बोलते हैं, इसको 10 नंबर का पाना है, ये इस वाले स्क्रू में लग जाएगा। तो देखो गाइस ये हमारा गेयर बॉक्स लग चुका है, आप देख सकते हो। देखो ये चार स्क्रू मैंने लगा दिए, एक दो, फिर ये देखो दो यहाँ पे है, चार स्क्रू यहाँ पे, बीच में जो आएगा वो सॉकेट लगेगा। देखो गाइस सुन करके बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मोटर का सॉकेट आता है, यहाँ पे मोटर का सॉकेट आता है गाइस। ये पूरा हमारा नीचे का सिस्टम है, इसको गेयर बॉक्स बोलते हैं, इसको मोटर बोलते हैं। ये हमारा ड्रेन पंप है, ये हमारा ड्रेन पंप है, इसको यहाँ पे लबर लगा रहेगा, अंदर एक लबर आता है, ड्रेन पंप है इसको बोलते हैं। यहाँ से पूरा खींचता है, यहाँ पे ड्रेन मोटर आएगा, इसको ऐसे खींचेगा तो यहाँ से ड्रेन पंप हट जाएगा, हट जाएगा तो आपका जितना भी ड्रम के अंदर पानी होगा वो तो यहाँ से निकल जाएगा गाइस। तो ऐसे काम करता है, देख लो आप गाइस पूरा सिस्टम हमारा, ये वॉशिंग मशीन का सिस्टम है। तो अभी गाइस ये ड्रम के जो बीच वाला गेयर बॉक्स का हिस्सा है वहाँ पे लगाएंगे हम। देखो गाइस यहाँ पे लगेगा, ये वाला पार्ट है यहाँ पे लगेगा, इसको उल्टा करके ऐसे लगा दो गाइस, तो ये यहाँ पे लग चुका है गाइस। यहाँ पे ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा, अब इसके ऊपर हमारा नट आएगा, चेक नट, ये वाला हमारा नट है, ये हमारा नट है, इसको एक सेकंड गाइस ज़ूम कर ले और फोकस कर लेता हूँ। तो ये हमारा नट है, ये नट पूरा कट चुका है, कट चलेगा अभी। तो ये नट हमारे गेयर बॉक्स के बीच में लगेगा गाइस, यहाँ पे आएगा, थोड़ी आसानी से ध्यान से लगाने का गाइस। गाइस ये नट लग चुका है अभी, अभी इसको पाने से टाइट करने का रहेगा, आपके पास चेक नट का पाना होगा उससे टाइट कर देंगे गाइस। मैं इसको टाइट करके आपको आगे का वीडियो बताता हूँ। तो ये देख लो गाइस ये स्क्रू लग चुका है हमारा चेक नट का। ये गाइस मैं पूरा लगाते हुए नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ, इसलिए मेरे साथ मैं अकेला बंदा हूँ ये सब करता हूँ, इसलिए गाइस मैं इसलिए आपको ये कट करके दिखा रहा हूँ गाइस, ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो प्लेट है वो हम इस प्लेट को उठा के यहाँ पे लगा देते हैं गाइस, एक सेकेंड थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, वाइट्स में आ जाए। ओके गाइस ये वाला प्लेट है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये गाइस ये हमारा प्लेट लग चुका है, देखो ये थोड़ा अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कर देते यहाँ पे बीच में, तो ये प्रॉपर लग चुका है गाइस। यहाँ पे देखो कोई भी किसी भी जगह पे जगह नहीं रहती है, तो ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अभी इसका स्क्रू आएगा वो लगा देंगे हम, बीच में एक स्क्रू आएगा वो लगाएंगे।